हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट वन, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज मुस्लिम मैरिज। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा मुस्लिम मैरिज, मींस मुस्लिम विवाह। ओके, मुस्लिम विवाह कानून में कहा गया है कि विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है, जिसका उद्देश्य संतान को जन्म देना तथा उन्हें वैध रूप प्रदान करना है। लगभग इसी रूप में हैदिया ने मुस्लिम विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों द्वारा बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है। साथ ही इसका कार्य समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। ओके, उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम विवाह में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनका संबंध एक अनुबंध अथवा संविदा कॉन्ट्रैक्ट से है। संविदा में साधारण तीन विशेषताएं होती हैं। ओके, नंबर वन है दो पक्षों की स्वतंत्र सहमति, नंबर टू है सहमति के रूप में कुछ पेशगी, एंड नंबर थ्री है नियमों के द्वारा समझौते को मान्यता। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका विवाह की शर्तें। विवाह की शर्तें, कंडीशंस ऑफ मैरिज। एक समझौते के रूप में मुस्लिम विवाह केवल तभी वैध होता है जब उसमें निम्नांकित शर्तों अथवा परिस्थितियों का समावेश हो। नंबर वन, प्रत्येक वह मुसलमान निकाह के योग्य है जिसकी आयु 15 वर्ष की हो चुकी है और जो सही दिमाग का हो। यदि कोई बच्चा नाबालिग हो तो उसके संरक्षक बलि को अनुमति से उसका विवाह हो सकता है। नंबर टू, विवाह संबंधित दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति से हो रहा हो और दोनों में से किसी पक्ष पर कोई दबाव न डाला गया हो। नंबर थ्री, काजी के सामने लड़के और लड़की ने एक दूसरे से विवाह करने के लिए अपनी स्पष्ट मंजूरी दे दी हो। नंबर फोर, दोनों पक्षों की ओर से विवाह की स्वीकृति मिलते समय गवाहों के रूप में कम एक पुरुष और दो स्त्रियां उपस्थित हो। नंबर थर्ड है, नंबर फाइव है आपका विवाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की राशि का भुगतान कर दिया गया हो अथवा यह राशि निश्चित कर ली गई हो। नेक्स्ट है नंबर सिक्स, विवाह के समय दोनों पक्ष सामान्य स्थिति में हो, अर्थात किसी प्रकार के नशे में ना हो। नंबर सेवन, दोनों पक्ष निषिद्ध संबंध के अंतर्गत ना आते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विवाह से संबंधित निषेध, प्रोहिबिटिशंस ऑफ मैरिज। ओके, अन्य समाजों के समान मुस्लिम विवाह में भी अनेक वैवाहिक निषेधों का समावेश है। ये निषेध इतने कठोर हैं कि किसी भी पक्ष द्वारा इनकी अवहेलना करना दूसरा पक्ष अपने जीवन साथी को तलाक दे सकता है अथवा विवाह को वॉइड समझ दिया जाता है, रद्द समझ लिया जाता है। यह निषेध इस प्रकार से है। नंबर वन, कोई भी मुसलमान मूर्ति की उपासना करने वाली किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, मुस्लिम विवाह पुरुष को यह अधिकार दिया गया है, मुसलमान जो पुरुष होते हैं उनको अधिकार दिया गया है कि वे मूर्ति पूजक स्त्री को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाली स्त्री किताबिया से विवाह कर लें, लेकिन एक मुसलमान स्त्री मुसलमान पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को मानने वाले पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। नंबर टू, कोई भी मुसलमान स्त्री
एक पति होते हुए दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। नंबर 3, एक पुरुष 4 स्त्रियों तक से विवाह कर सकता है, लेकिन 4 पत्नियां होने पर वह 5वीं स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। नंबर 4, तीर्थ यात्रा के समय विवाह संबंधों की स्थापना करना वर्जित है। नंबर 6, यदि किन्हीं परिस्थितियों में स्त्री को तलाक दे दिया गया हो तो वह स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से तब तक पुनर्विवाह नहीं कर सकती जब तक कि बच्चे का जन्म न हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मेहर और डॉर, मेहर अथवा स्त्री धन। ओके, मुस्लिम विवाह में मेहर का महत्वपूर्ण स्थान है। मेहर का तात्पर्य उस धनराशि से है जो विवाह के समय एक समझौते के रूप में पति द्वारा पत्नी को प्रदान किया जाता है अथवा जिसका भविष्य में भुगतान करने का वादा किया जाता हो। ओके, ओके, नेक्स्ट है आपका, ये जो मुसलमानों में प्रचलित यह मेहर 3 प्रकार का होता है, सत्वर मेहर, स्थगित मेहर और उचित मेहर। ओके, सत्वर मेहर, यदि मेहर का भुगतान विवाह के समय ही कर दिया जाता है तब ऐसे मेहर को सत्वर मेहर, मेहरे मुअज्जत कहा जाता है। ओके, साधारणतया मेहर के इस रूप का प्रचलन बहुत कम पाया जाता है। सेकंड है आपका स्थगित मेहर, यदि मेहर की राशि का भुगतान विवाह के समय ना किया जाए बल्कि इसे विवाह विच्छेद होने अथवा भविष्य में किसी दूसरे समय के लिए टाल दिया जाए तब इसे स्थगित मेहर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका उचित मेहर, यदि विवाह के समय मेहर की राशि तय न हुई हो और बाद में पति के तलाक मिल जाने के कारण अथवा किसी दूसरी दशा में स्त्री अपने पति से इसकी मांग करे तब मुस्लिम कानून शरीयत के अनुसार तय किए जाने वाले मेहर को उचित मेहर, मेहरे मिस्लम कहा जाता है। यह मेहर न्यायालय द्वारा भी तय हो सकता है अथवा पति और पत्नी इसे पारस्परिक समझौते के द्वारा भी तय कर सकते हैं। साधारणतया ऐसे मेहर की राशि या तो लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होती है अथवा पति के परिवार में अन्य स्त्रियों को प्राप्त होने वाली मेहर की राशि के बराबर ही रखी जाती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मेहर और दहेज में कोई समानता नहीं है। मेहर पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। ओके, जबकि दहेज कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। ओके, मेहर पर पत्नी का अधिकार होता है जबकि दहेज पर व्यवहारिक रूप से लड़के के पिता का अधिकार होता है। दहेज विवाह के समय ही दिया जाना अनिवार्य है जबकि मेहर विवाह के काफी समय बाद और कभी कभी विवाह के समय भी दिया जाना अनिवार्य होता है। ओके, मेहर जो है विवाह के काफी समय बाद, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। वास्तव में मेहर को मुस्लिम विवाह संस्था में एक उपयोगी सामाजिक नियम के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है मुसलमानों में तलाक, मुस्लिम डाइवोर्स। ओके, निम्नलिखित विवेचन में तलाक के पहले 6 स्वरूप मुस्लिम प्रथाओं से संबंधित हैं जबकि अंतिम स्वरूप कानूनी प्रावधान को स्पष्ट करना है। नंबर 1 है तलाक, कोई भी सही दिमाग वाला वयस्क पुरुष कभी भी अपनी इच्छा से अथवा किसी मध्यस्थ के द्वारा तलाक की घोषणा कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है तलाके एहसन, ये अपलिखित जो तलाक होती है 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 है तलाके एहसन, इसके अंतर्गत पत्नी के त्योहार के समय पति एक बार तलाक की घोषणा कर देता है। ओके,
सेकंड है आपका तलाक़े हसन, यह अपेक्षाकृत रूप से लंबी प्रक्रिया है। ओके नेक्स्ट है तलाक़े उल विद्दत, यह सबसे साधारण तरीका है जिसमें पुरुष अपनी पत्नी और अथवा पत्नी के किसी गवाह की अनुपस्थिति में भी किसी समय तलाक की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट इसमें इला, यदि पति एक कसम देकर 4 महीने तक पत्नी के साथ कोई भी संबंध ना रखे तब यह अवधि समाप्त होने पर तलाक की रस्म मान ली जाती है। नेक्स्ट है आपका खुला, नेक्स्ट पॉइंट है खुला, इसमें तलाक का प्रस्ताव पत्नी द्वारा ही रखा जाता है। नेक्स्ट है मुबर्रत, यह तलाक पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिहर, यदि पति अपनी पत्नी को ऐसी स्त्री मान ले जिसके साथ मुस्लिम सामाजिक कानून के अनुसार विवाह संबंध नहीं हो सकता तब पत्नी अपने पति से प्रायश्चित करने को कहती है। ओके और प्रायश्चित ना करे तब पत्नी उससे संबंध विच्छेद कर लेती है। नेक्स्ट है लियान, यदि पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगा दे तो अपने आरोप को वापस नहीं लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है अदालत द्वारा तलाक। ओके मुस्लिम तलाक 1939 के द्वारा पति पत्नी को अनेक दशाओं में तलाक का अधिकार दिया गया है। हिंदू और मुस्लिम विवाह में अंतर, अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम मैरिज। नंबर वन, कुछ प्रमुख आधारों पर हिंदू और मुस्लिम विवाहों की तुलना निम्नांकित रूप से की जा सकती है। नंबर वन, हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। विवाह के बिना व्यक्ति को धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह स्थायी बंधन है जिसे तोड़ना हिंदू सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध समझा जाता है। नंबर थर्ड है हिंदुओं में कानून के द्वारा केवल एक विवाह का ही प्रचलन है। नंबर फोर, हिंदुओं में दहेज प्रथा का प्रचलन है और दहेज वह राशि उपहार है जो विवाह के समय कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है हिंदुओं में किन्हीं भी ऐसे स्त्री पुरुष के बीच विवाह संबंध स्थापित करने का सामाजिक निषेध है जो एक ही गोप पिंड अथवा प्रवर के हो। ओके नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा ईसाइयों में विवाह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, मैरिज एमंग क्रिश्चियंस। थैंक यू।